कांग्रेस के एक नेता हैं, नाम है अजय राय। बनारस के आसपास के अगर आप रहने वाले हैं, पूर्वांचल के अगर आप हैं, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अजय राय कौन है। बाहुबली नेता कहे जाते हैं और बनारस में बहुत अच्छी खासी पैठ कही जाती है। लेकिन अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए जो बयान दिया, इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है। अजय राय ने ये कहा कि अमेठी स्मृति ईरानी सिर्फ लटके झटके करने के लिए जाती हैं, और अमेठी तो गांधी फैमिली का गढ़ है, अमेठी तो राहुल गांधी का गढ़ है, सोनिया गांधी का गढ़ है, संजय गांधी के वक्त से अमेठी जाना जाता है। लेकिन अजय राय ने जो बयान दिया, इस पर स्मृति ईरानी ने से कहीं ज़्यादा बीजेपी के बाकी नेता बहुत बड़ा वार कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, उनका ये कहना है कि एक महिला को इस तरह का बयान, एक महिला के लिए इस तरह का बयान बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वो बयान जो गरिमा मई नहीं है, वो बयान जो अनुशासन की श्रेणी में नहीं है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया और ये कहा कि आपके जो नेता हैं लटके झटके की जो बात करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अमेठी में आप मेरे सामने रहेंगे या नहीं? आप कहीं फिर से वायनाड तो नहीं भाग जाएंगे या फिर अमेठी छोड़ करके तो नहीं भाग जाएंगे? यानी अमेठी में एक ऐसा संग्राम है 2024 से पहले जिसकी भूमिका और पटकथा तैयार हो गई है। तैयार आप रहिए, हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा अमेठी में आपको नजर आएगा स्मृति ईरानी और राहुल गांधी यानी गांधी फैमिली के बीच में। लटके झटके बयान के बाद में कितना बवाल है, कितने सवाल हैं, इसे लेकर के जितनी जानकारियां हैं मैं आपको देता रहूंगा। नमस्ते।